क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया भाई जान, को मजे में बिल्कुल आ गए खैरियत से। आओ भाई, 14 आवर्स का जर्नी भाई, 14 आवर्स बहुत रास्ता है। हाँ, सर्दी कैसी है यहाँ पर? गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल भाई लोगों। तो भाई लोगों, आज हम आप कहीं जा रहे हैं। ये मेरा हॉस्टल है भाई, पहले तो आप लोगों को दिखा दूँ। ये मेरा बेड था, इस बेड पे मैं पिछले 3 दिन से पड़ा हुआ था। तो 2 दिन के लिए हम जा रहे हैं बस से एक अच्छे इंसान से मिलने के लिए। और हॉस्टल में लगी हुई पिक्चर्स ये स्पेशली बैकपैकर्स के लिए है। तो अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। सामान मैंने मेरा यहाँ पे रख दिया है। 2 दिन में जब मैं वापस आऊँगा तो फिर हॉस्टल, इसी हॉस्टल में फिर आ जाऊँगा। तब तक हॉस्टल को बोलते हैं बाय बाय। अब हमारे पास समस्या क्या है कि हमारे पास कैश नहीं है, तो अब हमें चाहिए कैश। और कैश कहाँ से आएगा? एटीएम हमारा काम नहीं करता। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एटीएम में मेरे प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया एटीएम को। क्रेडिट कार्ड से निकालने या फिर मेरे पास कुछ डॉलर पड़े हैं उनसे उनको एक्सचेंज कराएं, क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड से आप निकालोगे तो आपको पे करने पड़ेंगे 500 रुपये एक्स्ट्रा। ये मनी एक्सचेंज था भाई, अंदर कैमरा लाउ नहीं था, तो डॉलर चेंज करवाएं। अब 200, एक डॉलर का 570 लीरा मिलता है, आज का रेट जो है 570 लीरा है, तो 1140 लीरा हो गए हैं हमारे पास। अब हम रईस हो गए हैं, तो अभी 1 महीना हमारे पास है तुर्की में, तो इसी से काम चलाएंगे। अगर बकलावा ले रहे हैं तो किसी के घर जाए तो मीठा लेके जाना चाहिए, ऐसा सोच के ले रहा हूँ भाई। तो बकलावा यहाँ की मशहूर मिठाई, बहुत अच्छी है, स्वाद है, मज़ा आता है खाते। जिसके घर जा रहे हैं उनके लिए तो मिठाई ले ली, और अपने लिए जलेबी, यहाँ की जलेबी है ये एक तरह से। रोड पे चलते चलते खाने का भी एक अलग ही मज़ा है। अब हम चलते हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर। मेट्रो स्टेशन से कॉलेज मेट्रो स्टेशन है ये, जो मेरे हॉस्टल के बिल्कुल पास में है। कार्ड लेंगे, आपको एक कार्ड आ जाएगा। ये कार्ड आ गया। अब मुझे हिसाब से आप अपना कार्ड के अंदर जा सकते हो। तो अभी क्या करना होगा, इस कार्ड को डालना है यहाँ पे। अब हमें जाना अस्थि। अस्थि यहाँ से 8वां स्टेशन है, जो ऑटोगार का ASTI अस्थि, वो जगह है यहाँ से 680 किलोमीटर जहाँ पे हमें जाना है। तो पूरी रात आज हमारी बस में कटने वाली है भाई। आपको बस का टिकट लेने के लिए भी पासपोर्ट देना ज़रूरी है। आप जहाँ भी जाओ तुर्की में अपना पासपोर्ट साथ रखना है। यहाँ पे किसी भी टाइम आपकी आर्मी या पुलिस आके चेकिंग कर सकती है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। आपने प्रीतम से मिले हुए, प्रीतम के साथ कुछ हुआ था, वो स्टोरी मैं कभी लाइव सेशन में शेयर करूँगा। बहुत बी केयरफुल बहुत जी, वो सब पूरा चेकिंग कर रहे हैं, लगा हुआ है जो पीछे जो है वो WC है, और WC को एक बार यूज करने का चार्ज है 1.5 लीरा।
तो एक बार आप सुसु करने भी जाओगे तो 20 रुपए देने पड़ेंगे आपको। ये सेंट्रल स्टेशन है, जैसे अपना ISBT कश्मीरी गेट वाला दिल्ली। ISBT गए मुझे काफ़ी साल हो गए, पर पहले तो बहुत गंदा होता था ISBT, आजकल पता नहीं कैसा है, पर ये बहुत साफ़ सुथरा है और वेल मैनेज्ड है। गवर्नमेंट की बसेज नहीं है, सारी प्राइवेट बसेज है, प्राइवेट की कंपनियाँ हैं, कम से कम 100 के करीब जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के लिए चलती हैं। जगह जगह चेकिंग होती है, सुबह के बज गए हैं 7 और आर्मी वालों ने रुका लिए गाड़ी को और सब लोगों को लेके का आइडेंटिटी कार्ड लेके गए हैं, मेरा पासपोर्ट लेके गए हैं, तो सब नंबर वंबर चेक करते हैं और फिर आगे भेजते हैं। ये शहर है, छोटा हाल है, बिल्कुल बढ़िया भाई जान, को मजे में बिल्कुल आ गए खैरियत से। आओ भाई 14 आवर्स का जर्नी भाई, 14 आवर्स बहुत रास्ता है। हां सर्दी कैसी है यहां पर? अरे यार मैं तो फंस गया यहां पे, मैंने जैकेट वैकेट लेके नहीं आया। आइए तो होशियार होशियार, तो आप लोगों को देख लिया किससे मिलने आया हूं मैं, सरप्राइज गया सुबह-सुबह यहां पे, खास तौर पर सुबह सुबह और भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। अरे तो खैरियत से पहुंच गए, तो अब हम चलते हैं घर पे, घर पे जाके आराम से बात करेंगे भाई। गुड मॉर्निंग, उठ गए हैं यार, आके थोड़ी सी देर सो गया था, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, भाई ने देखना कितना ताम जाम करा है। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त लोगों को, ये हमारे भाई आए हुए हैं आज, ये तो ऐसे मेहमान है यार, कुछ खा ही नहीं रहे, बोल रहा हूँ कि यार क्या खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। ये हमारा जवान बेटा है, हेलो से हेलो बाय बाय बाय, वो करा उसको हिंदी नहीं आती तो, और हिंदी घर में किसी को नहीं आता हिंदी, मतलब ये तो बोल ही नहीं सकता, ये बच्चा तो बहुत छोटा है, ये थोड़ा जिस्म में बड़ा है लेकिन उम्र बहुत कम है इसकी। कितने महीने का है? और ये महीने का नहीं, तकरीबन 2 साल का है, 2 साल का हो गया, और इसमें तो नहीं बोल पाएगा। वाइफ को तो हिंदी आती ही नहीं है, क्योंकि उसको तो मैंने तो फिल्में वगैरह बहुत यूट्यूब में हर जगह, यानी कि शुरू से बहुत शौक था, हिंदुस्तान की फिल्में देखता था, मूवीज वगैरह देखता था, तो बस सीख गया। फिर दोस्त भी बहुत सारे थे जब उस वक्त अपने वतन में था, और दूसरी बात यह है कि हमारी कंट्री में भी है, यानी कि हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं हमारी कंट्री में, अभी से नहीं बहुत पहले से रहते हैं, पता है, अगर उनको बंदा देख ले तो पहचान ही नहीं पाता, मैं खुद नहीं पहचान पाता कि आप तो देखोगे आप तो बिल्कुल ही नहीं पहचान पाओगे। तो दूसरी यार जहां तक मैं समझ रहा हूँ, दुनिया में 2 लैंग्वेज है जिसे बहुत सारी कंट्रीज में लोग समझते हैं, एक तो ये हिंदी है, एक इंग्लिश है। हिंदी भी ऐसा ही है क्योंकि हिंदी फिल्में हर जगह हिट है, दुनिया को सबको पता है हिंदी, तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसी होगी इंग्लिश की तरह हर कंट्री में ही बोला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे कोई नहीं, हम आएंगे ना, आप तो दूर हैं पर हम दूर नहीं है, हम आएगा अभी, मेरा को टाइम लगेगा पर आएगा जरूर। अभी मैं तुर्की में हूँ, तुर्की से मैं यूरोप की तरफ जा रहा हूँ। हाँ बाइसिकल पे, हाँ बाइसिकल पे। अरे यार अभी आप लोग वीजा नहीं देते तो क्या करेगा यार, आपको किसे वीजा तो भाई हम लंच करने आए हैं, और लंच में हमें वही वेजिटेरियन वाली प्रॉब्लम, पर यहाँ पे क्या कि वो लोबिया मिल गई है और चावल मिल गए हैं, सैलड मिल गया है, आइए कुछ खाइए और सेहत बनाइए। दोस्तों ये हमारा मेहमान है, वेजिटेरियन है, अभी तो हम बस यही खिला सकते हैं इनको यार सब्जी। इट्स अमेजिंग यार, और प्लेट से और तो क्या कहूँ, कुछ कहने को शब्द नहीं है भाई। डिनर तैयार कर दिया पठान भाई ने, बिल्कुल मस्त वाला भाई, अल्लाह करे इसको पसंद आ जाए यार। छोला आ गया, दही आ गया और मिर्ची आ गई है और सलाद आ गया, और क्या चाहिए भाई?
बच्चे की जान लोगे क्या? और भाई फोटो ले रहे हैं, तो इससे फालतू और क्या चाहिए बड़े भाई। और ये हमारा छोटा पठान, छोटा पठान मेरा पूरा एक्टिव है आज पूरा। ओके हाँ ये ये व्हाट यू से। तो शाम होने को है भाई, और मैंने कहा भाई अब तो मुझे जाना पड़ेगा, आज रात को मैं वापस अंकारा जा रहा हूँ बस में बैठ के। तो मैंने कहा कि भाई कुछ क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, अफगानिस्तान की दोस्ती को लंबा लेके जाया जाए, मजबूत बनाएंगे इंशाल्लाह। तो इस दोस्ती का एक पेड़ हम आज यहाँ पे लगा के जा रहे हैं भाई, और हिंदुस्तान अफगानिस्तान की दोस्ती हम तुर्की में बढ़ा रहे हैं, उनके नाम से हमने एक पौधा लगा दिया है। अभी भाई पानी देंगे उसको, और इस पौधे को पानी दे के, और हम इन्होंने मुझसे प्रॉमिस भी किया है, पठान भाई ने प्रॉमिस किया कि मैं इस पौधे को तब तक पानी दूंगा जब तक ये पूरा पेड़ ना बन जाए। बाकी तो आप समझदार हो, बड़ा धड़क बना के तो बाकी आप समझदार हो किस तरह का पेड़ वो बनाएंगे, आप लोगों को ज़्यादा पता है। बाकी भगवान की जो दुआ रही तो ये दोस्तों यूँ ही मतलब बरकरार रखेंगे। हमारा मिशन भी यही है, हम लोग चाहते भी यही हैं कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान की दोस्ती मजबूत हो, कायम हो, हमेशा कायम और दायम रहे। ये दोनों देश के जनता एक दूसरे से भाइयों की तरह जुड़े रहे, जैसे हम दोनों जुड़े हुए हैं, जैसे हम लोग एक दूसरे को लव कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ पूरा हिंदुस्तान अफगानिस्तान एक दूसरे को लव करे। जय हिंद जय हो अफगानिस्तान। थैंक यू, थैंक्स लॉर्ड भाईजान, और थैंक यू भाईजान, थैंक यू। तो ये हमारा प्यार है, और इस पौधे की शक्ल में ये प्यार हम बरकरार रखेंगे। और अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, और हमें चलना है अब अंकारा। अब हम जा रहे हैं भाई के घर से ओतोगार की तरफ, ओतोगार से हम लेंगे एक छोटी बस, उससे जाएंगे हम एक जगह शहर पे, जहाँ से हम लेंगे मोटी बस, और मोटी बस से हम जाएंगे अंकारा। तो शहर का नाम सरप्राइज है, बहुत देर बाद में पता। मैं अभी भागता हुआ जा रहा हूँ भाई, वर्जिश है वर्जिश यहाँ पर आकर। बहुत ऊंचाई पे रहते हैं, सेहत बनती है यहाँ पर आकर, सेहत बन जाती है इंसान की यहाँ पर आकर। बस का वेट कर, ये बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, और बहुत स्पीड से जा रहे हैं भाई ने, मेरी बहुत तेज तेज लेके जा रहे हैं। और ये छोटी सी नदी बह रही है हमारे पास में से। खैर भाई लोगों, आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग ठीक ठाक लगा होगा। अगर ठीक लगा होगा तो जाके एक पेड़ ज़रूर लगा देना, ये आपके छोटे भाई की या बड़े भाई की कह लो, आपसे रिक्वेस्ट है यार। जाओ, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।